आप सब सोशल मीडिया पर देखिए एक और स्पेशल रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं आप सच यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के गांव चक ममूरी में मौजूद हैं। इस वक्त कैमरे के सामने चक ममूरी की मुमताज़ सियासी शख्सियत चौधरी तारिक साहब के चचा जान आजीज चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। आजीज चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब ने हक सच यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने गाँव के अवामी मसाइल बताते हुए कहा कि हमारे गाँव के जनाजा गाह के रास्ते पर बिजली के खंभे ना होने की वजह से चक ममूरी के जनाजा गाह में तहाल बिजली नहीं लग सकी। चक ममूरी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का हिस्सा होने की वजह से ये मौजूदा MNA हाजी चौधरी इम्तियाज़ अहमद के हलके का हिस्सा है। अभी हाजी चौधरी मोहम्मद अशरफ की ज़ुबानी बात सुनते हैं। जी हाजी चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जनाब बड़ा बड़ा शुक्रिया अपील है तुहाडे अगे ये जी तुम सुन लगे हो। हाजी इम्तियाज के अगे भी बड़ा शुक्रिया उहदा। वो है जनाजे गाह साडा, इस जनाजे गाह च दिन रात असां जाना होवे सानू कोई बड़े मुश्किल आते। इस गल रात नू मस्जिद जा सकती है, चानना नहीं, नेरा है बड़ा, तो वडेरा बंदा जाए तो राह च ठुडे लगते ने, तो बड़ी मेहरबानी दो तीन खब्बे लगते ने, इस तो ज़्यादा नहीं है, तो तुहाडी मेहरबानी। हाजी इम्तियाज साहब, मैं हाजी मोहम्मद अशरफ बोल रहा चक ममूरी तो, ते ए बड़ी रिक्वेस्ट है साड़ी, जे लिहाजा मेहरबानी करके साड़ी सुनी जाए। इसके बाद हाजी चौधरी मोहम्मद अशरफ ने हमारे हक सच यूट्यूब चैनल के ज़रिए अरबाब अख्तियार तक अपना ये पैगाम भी पहुँचाने की कोशिश की है कि चक ममूरी में लड़कियों के सरकारी स्कूल के आगे रास्ता भी ख़राब है, जिसकी वजह से बारिशों के दिनों में बच्चियों के लिए इस रास्ते से गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। अरबाब अख्तियार बच्चियों के सरकारी स्कूल के रास्ते की तमीर भी करवाएँ। हक सच न्यूज़ चैनल, हक सच सोशल मीडिया, जहां सनसनी नहीं होंगी खबरें, मालूमात से भरपूर तजिए, वो भी आपकी सिंगल क्लिक पर। आज ही विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। हकीकत से बाखबर रहिए। हक सच यूट्यूब चैनल।